दोस्तों अगर आपके पास हीरो स्प्लेंडर, पैशन, डिलक्स, डॉन, सुपर स्प्लेंडर या हीरो की कोई 100 सीसी वाली बाइक होती है तो उनके अंदर देखिए यहाँ पर जो क्लच पुश रॉड होती है यहाँ पर होता क्या है, जो इसके अंदर ये ओरिंग होता है ये अक्सर यहाँ से कट जाता है और जिसके चलते यहाँ से जो है ये काफ़ी ऑयल लीकेज करने लगता है और यहाँ से जो होते हैं हमारे कपड़े गंदे होने लगते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा जो हीरो की बाइक होती है उनकी जो है सबसे ज़्यादा ये क्लच पुश रॉड की जो रिंग होती है वो कट जाती है और जो इसकी किक सील होती है वो भी यहाँ से काफ़ी कट जाती है जिसके चलते यहाँ से ऑयल लीकेज करने लगता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से हमने जो है इसके अंदर ये किक सील डालनी है और जो ये क्लच पुश रॉड होती है इसके अंदर जो ओरिंग होता है वो किस प्रकार से डालना है। तो दोस्तों अक्सर देखिए आप लोगों ने देखा होगा कुछ मैकेनिक भाई क्या करते हैं यहाँ पर जो है कुछ धागा लपेट देते हैं और कुछ भाई जो क्या करते हैं वो यहाँ पर जो है काफ़ी बॉन्ड भर देते हैं। तो यहाँ से दोस्तों वो इसके लीकेज को बंद करना सोचते हैं। तो ऐसे दोस्तों जो है इसकी जो लीकेज यहाँ से बंद नहीं होती तो ये बार बार यहाँ से रिसाव करने लगती है और आपके कपड़े भी यहाँ से गंदे हो जाते हैं और यहाँ से ये काफ़ी भद्दा भी लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हमने जो है इसके अंदर ये सील डालनी है और जो यहाँ पर ये क्लच पुश रॉड के अंदर एक रिंग होता है वो किस प्रकार से डालना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें जो है सबसे पहले इसके आरएच कवर यानी कि इसके क्लच कवर को ओपन कर लेना है और अगर आप ये काम देखिए अपने आप करना चाहते हैं तो आप जो है दोस्तों सबसे पहले इसके ऑयल को निकाल लें। तो अभी तो दोस्तों देखिए मैंने जो है इसके अंदर कुछ काम करने हैं, सर्विस करनी है, तो जिसके चलते मैंने जो है लगे हाथ इसके अंदर ये ओरिंग डालना है और ये किक सील डालनी है। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये थोड़ी जानकारी इसमें दी जाए कि किस प्रकार से हम जो है इसके अंदर ये क्लच पुश रॉड के अंदर एक ओरिंग डालते हैं और एक एक सेल डालते हैं जिससे जो है दोस्तों ये काफ़ी समय तक दोस्तों लीकेज नहीं होगी, क्योंकि देखिए जो ये ओरिंग होता है ये इतनी जल्दी नहीं कटता और ये कहीं कहीं साल तक दोस्तों यहाँ से लीकेज भी नहीं करता। तो जब ये कट जाता है तो हमें इसके अंदर हीरो जेन्युइन रिंग डालना चाहिए जो मैं आज आपको दिखाऊँगा इसके अंदर डाल के, और जो ये रिंग होता है उसका पार्ट नंबर भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो जो हमारे पास ये रिंग होते हैं वो आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं ये भी मैं दोस्तों आपको बताऊँगा। तो चलिए पहले हम इसके आरएच कवर को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने जो है इसके क्लच कवर को ओपन कर लिया है और मैं आपको इसका लीवर दिखा दूं तो आप लोग इसका ये लीवर देख सकते हैं। ये जो है दोस्तों इसका लीवर देखिए यहाँ पर काफ़ी गंदगी इकट्ठी हो चुकी है, तो यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर जो ऑयल रिसाव के चलते यहाँ पर जो मिट्टी जम जाती है तो ये दोस्तों अक्सर यहाँ से लीवर को भी काट देती है और तब हम अगर यहाँ पर रिंग भी डाल दें तो दोस्तों यहाँ से ये लीकेज नहीं बंद कर पाएगा। तो आपने ये याद रखना है जब ये लीवर कट जाता है तो आपने इसको लगे हाथ चेंज कर देना है, अगर ये ठीक होता है तो सिर्फ आपने जो है इसके अंदर ये रिंग ही डाल देना है। तो चलिए पहले जो है हम इस पुश लीवर को और इस क्लच कवर को जो है अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो भाई देखिए हमने जो है इसके क्लच कवर को अच्छे से साफ़ कर लिया है और जो इसकी ये क्लच पुश रॉड होती है उसको भी साफ़ कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी गंदगी इकट्ठी हो चुकी थी, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि जब हम कोई काम करें तो उसको साफ़ सफाई से ही करें। तो अब मैं आपको जो है इसका ये रिंग दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये आप लोग इसके रिंग देख सकते हैं जो मेरे पास है हीरो जैन वाला, तो ये इसके ऊपर जो है यहाँ पर आप इसका पार्ट नंबर देख सकते हैं। दोस्तों ये जो रिंग होते हैं ये काफ़ी मोटे होते हैं और इस पैकिंग के अंदर आपको ये 20 पीस मिलेंगे और जिनकी लिस्ट है 100 रुपये। तो दोस्तों तकरीबन ये जो है आपको ये 92, 93 या 95 रुपये का दोस्तों आपको जो है पूरा पैकेज पड़ेगा, तो इसके अंदर ये 20 पीस होते हैं। तो ये दोस्तों जो रिंग होते हैं ये आपको जो है अपने स्पेयर पार्ट वाले के पास से मिल जाएंगे, अगर ये आपको उसके पास से नहीं मिलते हैं तो आपके नज़दीकी जो हीरो की एजेंसी होती है तो आप वहाँ से भी इनको लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि हमें जो है ये बार बार डालने पड़ते हैं, कोई ना कोई बाइक आती रहती है हमारे पास, तो इसलिए दोस्तों हम इनको इकट्ठे ही लेकर आ जाते हैं और इसमें ये जो है दोस्तों एक रिंग डालते हैं। याद रखिए आपने जो है इसके अंदर सिर्फ एक ही रिंग का इस्तेमाल करना है, ना कि दोस्तों इसके अंदर दो डालने हैं। तो अब दोस्तों हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हमने इसके अंदर ये रिंग डालना है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इस रिंग को लेना है और यहाँ पर ऐसे इसको रख देना है और आपके पास कोई पिन पेचकस होगा या जैसे कि मेरे पास कोई ऐसी चिमटी है तो आप लोग जो है इसको ऐसे थोड़ा ऊपर उठा लेना और जो आप यहाँ पर ये कट देख सकते हैं आपने इसको यहाँ पर बिठा देना है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास ये एक इसका स्प्रिंग होता है इसको लगे हाथ डाल देना है, अगर ये टूट भी जाता है तो आप इसके अंदर ये नया स्प्रिंग डाल सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर किसी ऑयल या ग्रीस का इस्तेमाल नहीं करना,
क्योंकि ज़्यादातर मैकेनिक क्या करते हैं यहाँ पर यह ऑयल या ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आपने याद रखना है, इस पर यहाँ पर ऑयल या ग्रीस नहीं लगाना। अगर आप यहाँ पर ऑयल या ग्रीस लगाते हैं तो अक्सर होता क्या है, यहाँ से बार बार ये जो है धूल मिट्टी जम जाती है और जिसके चलते ये रिंग यहाँ से कट जाता है। तो इसका सबसे आसान तरीका है, तो आपने ये है थोड़ा सा इसके ऊपर ये पेट्रोल डाल देना है। पेट्रोल से होगा क्या दोस्तों, ये जो है इस रिंग की जो है सतह चिकनी हो जाएगी और जब हम इसके अंदर डालेंगे तो ये एकदम तुरंत अंदर चला जाएगा। और आपको पता है कि पेट्रोल जो होता है एकदम से तुरंत सूख जाता है, तो आपने इसको ऐसे हीट करना है और ये तुरंत इसके अंदर चला जाएगा। इसके बाद ये जो है रिंग बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर आप सोचते होंगे कि पेट्रोल से जो है रिंग फूलता है, भाई पेट्रोल से रिंग इतनी जल्दी नहीं फूलता, कभी आप ये सोचते हो कि ये रिंग जो है फूल जाएगा, इसको जो है ये अपनी जगह पर जैसे कि अंदर चला गया तो अब दोस्तों ये दोबारा बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। इसके बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने जो है इसके अंदर ये रिंग इस प्रकार से फिट करना होता है, और मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ, अगर आपकी बाइक का ये रिंग 2-3 साल भी अगर यहाँ से लीकेज हो जाए, तो जैसे मैंने आपको दिखाया है तो आपने दोस्तों इस प्रकार से ही इसके रिंग को डालना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ये किक सील होती है ये भी हमें किस प्रकार से डालनी होती है, या कोई भी सील होती है वो मैं किस प्रकार से डालता हूँ, जो दोस्तों काफ़ी समय तक जो है ये यहाँ से लीकेज नहीं करते। तो अब चलिए पहले हम इसके आरएच कवर को जो है फिट कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये जो इसकी किक सील होती है किस प्रकार से हमने इसको जो है अंदर इसमें डालना है। तो देखिए दोस्तों हमने जो है अब इसके क्लच कवर को जो है फिट कर लिया है, तो यहाँ पर जो हमारी किक सील होती है दोस्तों इसको भी हमें इसी प्रकार से डालना होता है। देखिए मैंने जो है इसको पेट्रोल से ऐसे गीला किया और इसको जो है आपने घुमा घुमा कर दोस्तों इसके अंदर ऐसे डाल देना है। कुछ मैकेनिक भाई दोस्तों यहाँ पर ग्रीस लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं और इसको ऐसे ही सीधा पुश कर देते हैं। दोस्तों जब हम इसको ऐसे सीधा पुश करेंगे तो होता क्या है, जो इसके अंदर ये रिंग होता है, जो इसके अंदर आप एक लोहे का रिंग देखते हैं, तो वो दोस्तों पलट जाता है, ठीक है। वहाँ से जो है सील पलट जाती है और जिसके चलते ये यहाँ से कट जाती है। तो आपने बिल्कुल इसको सीधा ऐसे नहीं दोस्तों अंदर इसमें ठोकना है, कभी आप इसको ऐसे ही ठोक दें। तो दोस्तों जब हम इसको पेट्रोल से जो है थोड़ा गीला करेंगे तो ये चिकनी हो जाएगी, और ये तुरंत जब हम इसको घुमाकर डालेंगे तो ये तुरंत ही दोस्तों इसके अंदर चली जाएगी, और जैसे पेट्रोल सूख जाएगा तो ये अपनी जगह पर दोस्तों ठीक बैठ जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो है इसके अंदर ये कोई भी सील होती है दोस्तों ऐसे डालते हैं। और जैसे मैंने आपको ये क्लच पुश रोड में जो एक रिंग होता है, तो ये भी दोस्तों हम इस प्रकार से डालते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इनकी लीकेज को बंद करते हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये दोस्तों इतनी जल्दी यहां से ये लीक नहीं होगी, क्योंकि इनको डालने का सही तरीका दोस्तों हर किसी को नहीं पता होता है। आप पड़े ही इसके अंदर बार बार ये ऑयल की सील डालते रहें, क्लच पुश रोड के अंदर ये रिंग डालते रहें, तब भी दोस्तों वो लीकेज करेगा। और कुछ भाई बंधु अक्सर आपने देखा होगा क्या करते हैं, जो ये क्लच पुश रोड होती है इसके ऊपर ना थोड़ा धागा लपेट देते हैं और उसको फिट कर देते हैं, या फिर यहाँ पर काफ़ी कुछ बंदे बोंड भी भर देते हैं। तो दोस्तों ये आप गलती मत करना, ना ही आपने धागा लपेटना है और ना ही बोंड भरना है। तो आपने जो है इसके अंदर ये नया रिंग डाल देना है जो मैंने आपको दिखाया, ये हीरो के जेन्युइन होते हैं और ये काफ़ी मोटे होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसकी फिटिंग करते हैं और ये इसके लीकेज को बंद करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है या इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए, आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।